कंफर्म ना रिकॉर्डिंग? है सर। ओके ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सर इन्वेस्टमेंट डिसीशन टेक्निक, दैट इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक, उसके अंदर बात कर रहे थे। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर जो अलग अलग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहा था। जैसे ऑलरेडी मैं कुछ बेसिक आइडिया दे दिया था सर, जैसे कि एनपीवी क्या होता है, पीआई क्या होता है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सर, इनका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सबके साथ सबका रिलेशन क्या है, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ इनका क्या कनेक्शन है, जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट के बेसिस में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आई होप कि आप लोग कॉपी में जरूर लिखे हैं। इसमें एक 800 लाख का कैपिटल लेके कंपनी आया था, जिसमें 400 लाख का इक्विटी था, 400 लाख का डेब्ट था, उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चंस को आगे आगे सॉल्व करवाया था। फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आईआरआर गेस कैसे करना है। ऐसे आईआरआर बहुत ही सेलिब्रेटेड टॉपिक है। सेलिब्रेटेड क्यों? क्योंकि चाहे आप फाइनेंस के बंदे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आईआरआर का इस्तेमाल हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान। मतलब किसी को भी पूछो कि भाई कौन सा बिजनेस करना है, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि वही बिजनेस करेंगे जिसका रिटर्न अच्छा रहेगा। ठीक है, रिटर्न के बारे में सब बात करते हैं और परसेंटेज में बात करते हैं कि इसमें 15-20% रह जाता है, इसमें 10-20% रह जाता है। ठीक है, तो रिटर्न सब जानता है। तो ये जो रिटर्न रिटर्न चिल्लाते हैं ना हम लोग, हर एक बिजनेस का अंदर जब प्रोजेक्ट का रिटर्न है, वो प्रोजेक्ट का जो अंदर वाला रिटर्न है ना, वही आ जा रहा है। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ जो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस है, उसके अंदर छुपा हुआ जो रिटर्न होता है, उसको आईआरआर कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको सॉल्व करने का टेक्निक, हाउ टू गेस, एक ट्रायल एंड एरर कॉन्सेप्ट है। और अगर ट्रायल एंड एरर से भी नहीं हो पाता, तो फिर हम उसको कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टेढ़ा है सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं क्यों, फाइनेंस के हर एक लोग मानेंगे कि आईआरआर का कैलकुलेशन टेढ़ा है, लेकिन जो है वो है। अब आईआरआर का क्या कॉन्सेप्ट है, आईआरआर अगर केसी से अच्छा हो तो बिजनेस अच्छा है, मतलब बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आईआरआर केसी से, केसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो मार्केट में आप मानो कि लोन लिए हो, लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कैपिटल को उठाने का एक कॉस्ट पड़ता है, तो कैपिटल का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा रिटर्न हो बिजनेस में, तो बिजनेस को करना चाहिए। और अगर कैपिटल का कॉस्ट को ही बिजनेस रिटर्न मार्केट से रेज नहीं कर पाता, तो नहीं करना चाहिए सर। तो बहुत सिंपल सिंपल बात है। तो यही सब चर्चा ऑलरेडी हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस में देखता हूँ सर कि क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आया है। लेकिन उससे पहले मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर में बात करेंगे सर। मॉडिफाई मॉडिफिकेशन कहाँ से आ गया सर? मैं ऑलरेडी आप लोगों को एनपीवी आईआरआर का डिफरेंस बताया था कि एनपीवी और आईआरआर में क्या डिफरेंस है सर। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर, उसके बाद ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन शेयर है ना सर? अरे स्क्रीन शेयर है सर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आयर। ठीक है, मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आयर। व्हाट इज मॉडिफाइड एनपीवी एंड व्हाट इज मॉडिफाइड आयर, मतलब एनपीवी क्या है, यू ऑल नो दैट, है ना, आप सबको पता है।
केएनवी भी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशंस भी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया है, बाकी आगे आगे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपको और पता चलेगा। लेकिन एनपीवी क्या चीज है, आईआरआर क्या चीज है, आप लोगों को पता है। अब आपको जो बताने जा रहा हूं सर, ध्यान से देखना। एनपीवी इज बेस्ड ऑन दी assumption that the intermediate cash flows are reinvested. NPV is based on the assumption that the intermediate cash flows are reinvested at AC itself. समझाता हूं सर, लेट अस चेक इट दिस आउट। ये बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, और थोड़ा सा कंसेंट्रेशन हटाओगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो एक एग्जांपल लिखो, इयर्स 0, 1, 2 एंड 3। अब ये 0, 1, 2, 3 क्या है? फिर ईयर में आपका नेट कैश फ्लो आता है, जीरो में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम लोग नेगेटिव बैलेंस में शो करते हैं ना। फर्स्ट ईयर आपको 300 करोड़ आ रहा है, सब कुछ रुपीज इन करोड़ ही कर दो, 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस ने, 300 करोड़ फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकेंड ईयर 400 करोड़ आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एंड थर्ड ईयर अगेन 300 करोड़ आ रहा है। ओके, नो इशू। अब आगे का पता नहीं, इतना तक का पता है। मार्केट में जो आपका कैपिटल रेज करने का फंड का कॉस्ट है वो है 22%। तो मार्केट से अगर आपको लोन लेना है या लोन लिए हैं आपने, तो आपको 22% का कॉस्ट पड़ जाता है, मतलब 100 टका में 22 टका देना पड़ता है। Now they ask you calculate NPV. Calculate NPV. अब इसका NPV calculate करो सर, net present value calculate करो, हो जाएगा NPV calculation, हो जाएगा ना सर, simple है। কি রে, এটা হয়ে যাবে তো? সিম্পল কোয়েশ্চন অফ এনপিভি মেথড 1। এক সিম্পল মেথড লাগাতে হ্যাঁ, সবসে পেলে আমলো ইসকো উইদাউট শোয়িং রি ইনভেস্টমেন্ট করতে হ্যাঁ, উইদাউট শোয়িং reinvestment, okay? Without showing reinvestment, मतलब सर बात को समझे, जो मुझे मैंने जो पैसा बिजनेस पे लगाया, मैंने 500 करोड़ लगाया, अगर मुझे फर्स्ट ईयर को 300 करोड़ मिल जाता है, तो क्या वो 300 करोड़ को मैं घर पे रख लूँ या फिर उसको वापस बिजनेस में reinvest करूँ? पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्या है? तथा संभव नीड, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, बोलो। अगर मान लो रीइन्वेस्ट होगा ना, लेकिन सर हम लोग इतना देर से जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोगों ने सर कभी भी ये नहीं सोचा कि सर जो फर्स्ट ईयर में 300 करोड़ आ रहा है
या जो सेकेंड ईयर में 400 करोड़ आ रहा है, या फिर जो थर्ड ईयर में 300 करोड़ आ रहा है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये तो रीइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ऐसा अजम्पशन हम लोगों ने लिया नहीं। तो फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी जो मेथड वन हम लोग अपना रहे हैं, हम लोग ये एक सिंपल लेन है, इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो आ रहा है उसको रख लेंगे। ठीक है, तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, इसमें आपका जो नेट कैश फ्लो आ रहा है 300 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, डिस्काउंट फैक्टर मतलब मार्केट में जो आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो हो रहा है सर, मतलब मार्केट में जो लोन का इंटरेस्ट है इस तरह का, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 22% में, आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो 300 करोड़ आपको एक साल बाद मिल रहा है उसका आज का वैल्यू क्या है। यही तो है प्रेजेंट वैल्यू, 22% रेट में 300 करोड़ का आज का वैल्यू निकालो, 22% रेट में 400 करोड़ जो 2 साल बाद मिल रहा है उसका आज का वैल्यू निकालो, 300 करोड़ जो 3 साल बाद मिल रहा है 22% डिस्काउंट रेट में उसका आज का वैल्यू निकालो, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये करना है कि आप 22% रेट का डिस्काउंट फैक्टर को ही निकाल लो ना, सबसे आसान तरीका। आप लोगों को बात समझ में आ रहा सर है? 240.240, 265.90, 268.74 और 165.21, टोटल सर 679.85। 679.85, वेरी गुड। तथा अब तथा फैक्टर भी बता दे, क्या क्या फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाला कि नहीं निकाला। कैसे निकलेगा फैक्टर 22? सर प्रथम हाँ, एक टोल सर 0.8196, तारपर एक टोल सर 0.6718 और तारपर एक टोल सर 0.5507। थैंक यू सर। सर देखो, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये कैसे निकाला गया फैक्टर। 22% का हमारा इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट है, तो 22 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 0.22 आ जाता है, इसको +1 कर दो तो 1.22 आ जाएगा, मतलब 1 टका डालने से 22 पैसा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। अब ये 1.22 को हमें डिस्काउंट करना है, तो डिवाइड दबा के इक्वल मारो, फर्स्ट इक्वल में आपको देखो जो फैक्टर आ रहा है 0.81967, ठीक है, तब 4 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद आप 4 डेसिमल तक एरिया ले लो, तो 4 घर अगर लेते हो तो 8196 पॉइंट के बाद, ठीक है। सेकेंड टाइम इक्वल मारो 0.67186, तो उसमें भी 6718। थर्ड टाइम मारो तो 0.5507, ठीक है। सर ऐसा करने का फायदा, सर ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि आप फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो डिस्काउंट फैक्टर है, फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकेंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर आपने निकाल लिया। अब ये जो फैक्टर आपने निकाला 22% रेट में, ध्यान से बात को समझना, इसके पीछे का लॉजिक को समझना, मतलब मार्केट में महंगाई है आपका 22%, महंगाई 22% क्यों, क्योंकि मार्केट में आपको जो रिटर्न वापस करना है बैंक लोन वगैरह का, उसके लिए आपको 22% एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा। सो वट एवर यू अर्न टूडे, ठीक है, तो 1 साल बाद अगर आपको 300 करोड़ मिल रहा है उसको आप 22% रेट में आज में कन्वर्ट करो, तो नाउ द वेरी सिंपल वर्क इज कि जस्ट मल्टीप्लाई दिस 300 विथ दिस 8196, जिसमें तथा ने मुझे ऑलरेडी बताया 245.91 आई थिंक, हाँ तथा सही, तो है सर 268.72 एंड द लास्ट वन इज 165.21। ये सब क्या हुआ, इसके साथ इसको इंटू करके, नेट कैश फ्लो के साथ डिस्काउंट फैक्टर को इंटू करके निकला। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड ढंग से पढ़ता हूँ, देखो सर देखा जाए तो डिजिट है बट समझो तो बहुत कुछ है, ऐसे देखोगे तो बस डिजिट नजर आएगा बट समझ के पढ़ोगे तो डिजिट के अंदर छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 300 करोड़ जो आपको 1 साल बाद नजर आ रहा है उसको आप आज बैठे बैठे सोच रहे हो कि जो 300 करोड़ मुझे 1 साल बाद मिलेगा
रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% है, तो इसको अगर मैं आज के रेट में कन्वर्ट करूं 22% डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से, तो इसका वैल्यूएशन होता है 245.91 करोड़। 400 करोड़ जो मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है, उसको अगर मैं आज में कन्वर्ट करूं तो मेरा इसको वैल्यूएशन आ रहा है 22% डिस्काउंट फैक्टर में 268.72 करोड़। 300 करोड़ जो मुझे 3 साल लेटर मिलने वाला है, उसको अगर मैं आज में कन्वर्ट करूं, ये सब क्या है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो मेरा आ रहा है सर 165.21 करोड़। अब ये तीनों को टोटल करो, जिसमें आपका टोटल आया 679.84 करोड़, है ना, ये आपका हुआ प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया है, इसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो, मतलब बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये 679.84 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो कैश इनफ्लो हुआ है उसका प्रेजेंट वैल्यू, वहां से अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, जो हमारा एनपीपी का फॉर्मूला भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ संभव, व्हाट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हियर, फाइव हंड्रेड 500 करोड़, थैंक यू, यहां से आप 500 करोड़ को माइनस करो, सॉरी, अब इनिशियल है तो नेगेटिव में शो कर दो, तो 679.84 माइनस 500 कितना हो रहा है, 179.84 179.84, ठीक है, करोड़। नो व्हाट इज दिस, दिस इज एनपीवी, दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सर ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सर सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है और अगर मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, मतलब या तो ये प्रोजेक्ट है, धन्यवाद हाँ बोलो, उचित ऑब्वियसली क्लास में है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। नाउ अब मैं यहाँ पर ना प्रोजेक्ट चूजिंग में नहीं जा रहा हूँ सर, मैटर को सिंपली मतलब थोड़ा और दूसरे चीज में जा रहा हूँ सर, ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हम लोग नॉर्मल एनपीवी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आयरआर, ओके, अब इसमें थोड़ा खेला बदल जाएगा। अब इसमें पिक्चर में आ रहा है सर मेथड टू, मेथड टू में शोइंग द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो एट केसी, मतलब जितना मेरे को बिजनेस में पैसा का फ्लो हो रहा है, देखो सर सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जो मेरे को पैसा आ रहा है मेरे बिजनेस में, इसको हमें ना री इन्वेस्ट कर देना, जैसे कि आप लोग पहले ही मुझे बता रहे थे, या आमतौर पे क्या होता है कि जो बिजनेस मैन को, मैन के पास जैसे पैसा आ जाता है इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा, वो उसको उसको री इन्वेस्ट कर देता है। अब आपके मन में चल रहे थे री इन्वेस्ट करेगा तो रेट ऑफ रिटर्न क्या मानेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न क्या मानेंगे, तो हम लोग अगर कुछ पता नहीं है तो केसी के रेट में ही कर देंगे, है ना, शोइंग द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो एट केसी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा माइंड मैप बना लूं तो देखने में कुछ ऐसा होगा, 0, 1, 2 एंड 3। अब 0 में क्या है, 0 में 500 करोड़ है, 1 में कौन है, 300 करोड़ का रिटर्न, 2 में कौन है, 400 करोड़ का रिटर्न, मतलब इनफ्लो बेसिकली, एंड 3 में कौन है, 300 करोड़ का इनफ्लो, ओके सर, तो क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। अब अभी ध्यान से देखो इस चीज को कैसे समझा जा सकता है, अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको फिर से समझाता हूं कि ये क्या हो रहा है।
0 1 2 3 ठीक है, माइंड मैप है सर, ये कुछ नहीं है, ये 0 1 2 3 जो बार बार लिख रहा हूँ ये सब बस माइंड मैप है, ईयर को दिखाने का और कर क्या रहे हैं उसको समझने का तरीका। अब जब थर्ड ईयर का बारी आ रहा है, थर्ड ईयर में आपके पास कितना पैसा आ रहा है सर रिटर्न में, मतलब इनफ्लो कितना हो रहा है? 300 करोड़ टुडे है ना। सेकेंड ईयर आपके पास जो 400 करोड़ आ रहा है, 400 करोड़ जो आपको रिटर्न में आ रहा है, इसे अगर 22% रेट में, इसे अगर 22% रेट में काउंट किया जाए तो क्या वैल्यू होता है? एक काम करो, इसको ना 400 के साथ आप 22% को, मतलब 1.22, 22% का मतलब क्या, 22% का मतलब क्या, एक टका डालने से एक टका 22 पैसा है ना, तो 400 × 1.22 करो ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको जो 300 करोड़ मिल रहा है, इसको मार्केट में 2 साल टाइम मिल रहा है, तो 300 × 1.22 इसका 2 की पावर 2 कर दो, इसे हिसाब लगाओ, इसका आपका मिल जाएगा 488। चेक करो तो एक बार कितना आ रहा है, 1.22 × 400 होता है 488, और 1.22 × एक इक्वल देके इसके साथ इंटू कर दो 300 का, तो हो जाता है 446.52, 446.52, दोनों को टोटल करें, 446.52 एंड 488 टोटल करें जरा, करो ना एक बार, फिर आगे आगे समझ जाएंगे सर कि हो क्या रहा है। कितना होगा टोटल करके, 12 कत हो रे 488, 446.52 और ये 300 का भी लेना मत भूलना। तब आपके पास करंट अवेलेबल बैलेंस क्या है, जो 300-400 करोड़ आपको मिला था 2 साल बाद, उसको अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल का मौका मिलता है, 2 ईयर से 3 ईयर का टाइम पीरियड कितना, 1 साल का, और जो फर्स्ट ईयर में आपको 300 करोड़ मिल रहा था इसका टाइम पीरियड कितना अवेलेबल है अभी भी 3 साल के पीरियड के अंदर, और भी 2 साल, फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा तो सेकेंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर पूरा, तो 2 साल मार्केट में इसको राउंड होने का मौका मिल रहा है, तो कुल मिला के 488, 300 एंड 446.52, तो कुल मिला के आपका 1234.52 का आपको क्या मिल रहा है, करेंट वैल्यूएशन मतलब फ्यूचर वैल्यूएशन मिल रहा है। अब आगे देखो सर, ये जो 1234.52 जो वैल्यूएशन आपको दिख रहा है, इससे अगर हम 1.22 के रेट में, मतलब 1.22 क्यों सर, 1.22 बार बार कहाँ से आ रहा है सर, 22% 22 / 100 तो होता है 0.22, इसको प्लस 1 करो तो होता है 1.22, अब इसको 2 की पावर 3 कर दो, 1234.52 / 1.22 3 साल के पीरियड में, पावर में 3 क्यों, 3 इयर्स पीरियड है 3 साल का, करके देखो तो कितना वैल्यूएशन आ रहा है, ऑलरेडी ये पहले भी आप निकाल चुके एक बार, हाँ अभी जो 679.85 आपका आया, इसको अगर आप अगेन जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़ का वहां से माइनस करो, कितना हो रहा है नील बोल, पता होते 179.86 which we already calculated, इससे पहले भी हम लोग ये सेम पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं एनपीवी के थ्रू से सर, तो फिर हुआ क्या सर, कुछ नहीं हुआ, ये री इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको पहले फ्यूचर में गए, फिर उसको अल्टीमेटली डिस्काउंट करके कैलकुलेट कर लिए। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं सर,
this goes to show that NPV is based on the assumption that the intermediate cash flows are reinvested at KC. If this assumption is not satisfied, that is a separate reinvestment rate for example 17% is given. मानो एक 17% का reinvestment rate मान ली. We have to calculate modified NPV. Again बोल रहा हूँ सर, तो हम लोग 22% रेट में री इन्वेस्ट कर दिए थे अभी पिछले एग्जाम्पल में, जो हम लोगों ने नॉर्मली पहले नॉर्मल NPV कैलकुलेट करके देखा था. अब अगर जो हमें रिटर्न में मिल रहा है उसी को अगर हम लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं तो री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अमाउंट क्या है, 22% मान के किए थे. बट इस बार हम लोगों ने बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन में डिफरेंस कर रहे हैं कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट है उसको 22% से हटा के 17% मान रहे. अब आपको पूछा गया है कि आप मॉडिफाइड एनपीवी निकाल के बताओ. सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है सर, सिमिलर पैरामीटर ड्रॉ करो, 0, 1, 2, 3. माइंड मैप बना लो, बहुत इजी हो जाएगा. 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको 300 करोड़ मिल रहा था, सेकेंड ईयर के एंड पे आपको 400 करोड़ मिल रहा था, थर्ड ईयर के एंड पे आपको 300 करोड़ मिल रहा है. बहुत अच्छा. अब ये जो 300 आपको मिल रहा है ये तो आपको ईयर एंड में मिल रहा है, इसमें आपको इसको आप मार्केट में राउंड करने का मौका तो नहीं मिलेगा. 400 करोड़ जो आपको 2 साल के एंड में मिल रहा है ये आपको 1 साल मिलेगा मार्केट में, है ना, 2 से 3 साल का एंड तक. तो ये आपको 17% रेट में मार्केट में री इन्वेस्ट करना है. तो 417% रेट में कितना होता है बताओ. और जो 300 करोड़ आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा था इसको भी आप 17% रेट में री इन्वेस्ट करो. 68 को 468 करोड़ सही तो? नो सर, 460 400 ऊपर 70%. हाँ तो 400 के ऊपर 17% तो तुमको रिटर्न में पूरा ही मिलेगा ना, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के ही तुमको मिलेगा ना. आपके साथ प्लस कर चुके, ठीक है ठीक है. इसको सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा सर. सेवेंटीन डिवाइडेड बाय 100 करो, 0.17 प्लस 1 कर दो, मतलब एक टका डालने से 1 टका 17 पैसा. अब इसे आप इंटू कर दो, इंटू करके एक बार इक्वल के साथ 400 को इंटू करने से आ जाएगा. और अगर आप 300 के साथ करना चाहते हो 2 बार इक्वल करो और जो आया इसके साथ आप 300 को इंटू कर दो, 17% रेट में 2 साल का 300 करोड़ के साथ एडजस्टमेंट कर, मतलब 1.17 इंटू 1 2
इसके साथ इंटू करना है 300 होगा, 480 कितना आ रहा है? 480 तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पता है कत आ सर हमारा 480.48 तो नहीं होगा, 17% रेट में 400 करोड़ का वैल्यूएशन, 468 ये तो ठीक है, 300 तो मार्केट में राउंड नहीं होगा तो जितना है वही रह जाएगा, लेकिन 300 का जो 17% रेट में 17% रेट में हाँ बोल 400 কোটি যেটা স্যার 17% হলো ডাইরেক্ট 400 উপর 70% মেরেছি 60 বিচ এটা সাথে 400 প্লাস করে দিই हां वो तो हां 1 ईयर का है तो उस पे दिक्कत तो नहीं होगा हां 1 ईयर का है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 300 करोड़ का जो आपका पास वैल्यूएशन है ये मतलब फर्स्ट ईयर का जो आपके पास आया है 300 करोड़ को अगर आप 17% रेट में 2 साल के लिए मार्केट में लगाते हो तो उसका क्या वैल्यूएशन है? वही तो आना चाहिए 17 डिवाइडेड बाई 100.17 प्लस 1 इंटू एक बार इक्वल दो बार इक्वल इसके साथ इंटू करना है 300 को, तो क्या गड़बड़ हो रहा है 410 की को रही है सर इक्वल्स टू तो एक बार हो गए ओह हो सर दो बार से इक्वल्स टू एक बार है पर ऐसे तीन बार से कर लिया क्या नहीं मतलब इंटू में तो एक बार काउंट हो जाता है ना सॉरी सॉरी यस यस मतलब एक्चुअली क्या है मैं ही भूल गया सर आप लोगों को सिखाते सिखाते हैं 17 डिवाइडेड बाय 100 करने से ये जो फैक्टर आया 0.17 इसको प्लस 1 कर दो 1.17 अब इसमें इंटू करके इंटू काउंट हुआ फिर एक बार इक्वल देने से जो आया ये एक्चुअली दो बार काउंट हुआ अब इसके साथ इंटू करना है 300 तो आता है 410.67 क्योंकि इंटू में एक इंटू काउंट कर लेता है यस सर तो ये हो जाएगा आपका 410.67 सॉरी सॉरी यस इंटू में इंटू एक बार काउंट होता है तो अल्टीमेटली आपका 410.67 ओके तो अब आप ध्यान से सुनना ये जो 17% है ये क्या है 17% इज द री इन्वेस्टमेंट रेट तो यहाँ पर 300 तो आपको री इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा ना सर बिकॉज ये तो ईयर के एंड में मिल रहा है बात को समझे ये 300 जो आपको मिला है 300 करोड़ ये तो ईयर के एंड पे है और आपको तो 3 साल के आगे नहीं जाना है 400 एक साल मौका मिला है 300 को 2 साल मौका मिला है तो आपका ये वैल्यूएशन आ रहा है तो टोटल करके बता तो मुझे कितना हो रहा है मतलब 1178.67 एक बार कंफर्म करना अब ये जो आपका 1178.67 आया ठीक है 1178.67 जो आया ये आपका क्या आ गया ये आपका ओवरऑल जो मतलब फ्यूचर वैल्यूएशन री इन्वेस्टमेंट करके जो मिलना था वो आ गया अब अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 22 मतलब 1.17 से 3 साल के लिए तो आप देखो ना आपका एनपीपी क्या आ रहा है मॉडिफाइड एनपीपी कितना आ रहा है देखो तो मुझे एक बार बताओ मॉडिफाइड एनपीपी कितना आ रहा है देखो एक बार मतलब ऐसा करो 1178.67 इसको आप
1.22 से करो, क्योंकि देखो ध्यान से बात को समझा, रीइन्वेस्टमेंट रेट में रीइन्वेस्टमेंट कर दिए थे, लेकिन जब आप एनपीवी कैलकुलेट करोगे तब तो आपका जो केसी था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, मतलब मार्केट में जो लोन का कैपिटल का कॉस्ट है, उसी रेट में डिस्काउंट करना है, उसी रेट में डिस्काउंट करना है। मतलब ऐसा करना है सर, 1.22 डिवाइडेड बाय, 3 बार इक्वल मारना है, 1 2 3, जो आएगा इसके साथ इंटू कर देंगे, 1178.67, तो आता है सर 649.10। ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू, मतलब बेसिकली कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। अब यहां से आपको माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, 500 करोड़ को, सिक्स फोर्टी नाइन करोड़ से 500 करोड़ हट जाएगा, तो बचता है 149.10 करोड़। दिस इज योर एनपीवी, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल एनपीवी, इट्स अ मॉडिफाइड एनपीवी। अब देखो फर्क, देखो सर डिफरेंस देखो, इतना देर से मैं आपको इतना सारा चीज तब से करा रहा हूँ, शायद कुछ बातें आपको ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी इसको समझने का कोशिश करो। आपको मेरा जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था वो शुरू हुआ था यहाँ से, जिसमें मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया पहले कि सर 500 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 300 400 300 करके आपको रिटर्न आ रहा है, मार्केट का लोन कैपिटल है आपका, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 22%, कैलकुलेट करो एनपीवी। तो आपको पहले मैं सिंपल बोला कि आप विदाउट शोइंग री इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करो, तो आपने कैलकुलेट करके देखा कि आपका एनपीवी आ रहा है 179.84 करोड़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट एनपीवी में क्या होता है ना, एनपीवी में क्या होता है बोलो तो, कि NPV इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट केसी इटसेल्फ नॉर्मली, मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है वही पैसा को आप फिर से बिजनेस पे लगा देते हो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ता ही है रियल सिचुएशन में। तो अगर आप उसको रीइन्वेस्टमेंट करते हो, अगर रीइन्वेस्टमेंट रेट बोल दिया तो उस रेट से करो, और अगर रीइन्वेस्टमेंट रेट नहीं बोला तो केसी को ही मान लो रीइन्वेस्टमेंट रेट। तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया, पहले सिमिलर रेट में, री इन्वेस्टमेंट रेट में ही, मतलब तो केसी के रेट में ही आपको पहले आपको री इन्वेस्टमेंट करने बोला, तो आपने 22% रेट में, ये देखो 22% रेट में केसी को ही री इन्वेस्टमेंट रेट माना, और उसी रेट में आपने री इन्वेस्टमेंट किया, और आपके पास जो वैल्यूएशन आया एनपीवी का, मॉडिफाइड एनपीवी का, ठीक है, वो 179.86 ही आया, बिकॉज रेट सेम था, रेट सेम था। लेकिन अगर अगर री इन्वेस्टमेंट रेट क्वेश्चंस में अलग बोल देता है जो केसी से अलग है, तो केसी है 22%, केसी इज 22%, बट री इन्वेस्टमेंट रेट इज 17%। तो री इन्वेस्टमेंट रेट अगर 17% है तो आपका प्रेजेंट वैल्यू जो हो रहा है सर वो 1178.67 हो रहा है। अब इस 1168.78.67 को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब जो आपको 1178.67 3 साल बाद नजर आ रहा है उसे आप आज के डेट में कन्वर्ट करो 22% रेट में, क्योंकि 22% आपका केसी है, उसी रेट में आपको उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपका वैल्यूएशन आया 649.10, और वहां से 500 करोड़ को आपने हटाया जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, तो आपका जो मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है ना 149.10 करोड़ आ रहा है। तो ये नॉर्मल केस में आपका एनपीवी हो रहा है 179.86, अगर री इन्वेस्टमेंट रेट और केसी सेम है तो भी आंसर मॉडिफाइड एनपीवी और एनपीवी का आंसर सेम है, बट अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अलग है, अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अलग है तो मॉडिफाइड एनपीवी का आंसर अलग हो जाएगा। बोलो सर।
समझ में आया। ये रबर टप पूछा कैसे? अच्छा था बॉल रे कैसे? कैसे तो ये सब कॉन्सेप्ट रियल सिचुएशंस है, यही भावे कंपनी चेक करे। ओके अच्छा, अब ये था मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट। अब अगर सिमिलर फैशंस में, सेम फैशंस में अगर मैं आपको मॉडिफाइड आईआरआर कैलकुलेट करने हूँ तो कैसे करोगे? लिटिल बिट ट्रिकी बट नॉट वेरी। ओके सॉरी, चलो देखते हैं। आईआरआर इज बेस्ड ऑन दी assumption that the intermediate cash flows are reinvested by IR. Same concept. Intermediate cash flows are reinvested by IRR. So, if this assumption, is not satisfied, if this assumption is not satisfied, that is separate reinvestment rate is given. सेम कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं सर, बट अभी एनपीवी की जगह आईआरआर यूज करेंगे। सेपरेट रीइन्वेस्टमेंट रेट इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट मॉडिफाइड आईआरआर। मॉडिफाइड पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछता है मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर क्या है, तब वही एग्जाम्पल भी आप इस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, तो एफएम में ऐसे थ्योरी लिख नहीं लिखना पड़ता है सर। एफएम में हर चीज को कैलकुलेटिव वे में शो करना पड़ता है। ओके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के केस में, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो पूरा कॉन्सेप्ट दे देगा, फिर आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अलग से आपको मॉडिफाइड आईआरआर एंड मॉडिफाइड एनपीवी कैलकुलेट करने को भी पूछ सकता है, तो जो भी पूछे आपको रेडी रहना है। नो कैलकुलेट मॉडिफाइड आईआरआर, इसको प्यार से एमआईआरआर भी कहते हैं शॉर्ट में, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको इन दी प्रीवियस सम MIRR, the modified internal rate of return, is given by outflow equals to inflow. Outflow equals to inflow. So, कैसे करना है? 500 आपका आउटफ्लो था, याद है ना सर? सेम क्वेश्चन, 500 आपका आउटफ्लो था, इनफ्लो क्या होगा? 1178.67 आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था, इसको आप 1 + R³ इस रेट से कैलकुलेट करोगे, है ना? 1 + R³ इस रेट से कैलकुलेट करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मतलब इसको ना आईआरआर, नॉर्मल आईआरआर की तरह इतना मेहनत नहीं करना है। यू ऑलरेडी नो दी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब रीइन्वेस्टमेंट करके जो वैल्यू आया था, रीइन्वेस्टमेंट करके हमें जो मिला था, जो मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया आपको, ये जो 1167.67, ये समझ में आया ना सर मैं कहाँ से उठाया?
एनपीपी के क्वेश्चन से ही उठा लिया, रीइन्वेस्टमेंट करके हमको जो मिला उसे हमें बस आईआरआर के फॉर्मूला में पोर्ट करना है। तो आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, आउटफ्लो इज 500 करोड़ का है, इनफ्लो 1178.67, और उसको हम लोग 1 + r होल क्यूब के थ्रू से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है सर, यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है। क्या इक्वेशन? बस सॉल्व दी 1 + r। हाँ सर, जस्ट सॉल्व दी 1 + r होल क्यूब। क्या हम लोग यहाँ से 1 + r होल क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे? था नहीं बोलो। अरे क्या हम लोग यहाँ से 1 + r होल क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो किस तरह से 1 + r होल क्यूब इक्वल्स टू 1178.67 / 500, इतना तो कर ही सकते हैं। तो अगर हम लोग इतना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1168.67 / 500 तो आता है सर 2.33734। ओके, तो 2.33734 यही आया क्या? मुझे बताना जरा, 1178.67 / 500 करके यही आया ना? 2.3573। 2.35734, 2. सॉरी गलत आया मेरा, 2.3573। और मतलब फोर मतलब पॉइंट के बाद चार कर लो, ठीक है, 5 जाने का लो। अब और इजी हो गया सॉल्यूशन देखना। 1 + r होल क्यूब इक्वल्स टू 2.3573। बोलो आर का वैल्यू निकलेगा? 21.42। आंसर आर का वैल्यू? हाँ सर। नो सर, नो सर, यहाँ पर एक गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं सिर्फ आर को साइड करूँ तो क्या करना है? अगर मुझे आर का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा? 2.3573 होल टू द पावर, इंडिसेस का फॉर्मूला है ना सर, पावर जब शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा? पावर इक्वल के इस पार से अगर उस पार चला जाएगा 1/3। 1/3 है ना, सूचक का फॉर्मूला है इंडिसेस ना। अब सर डाटी पावर आज तो, हाँ यस, डाटी पावर आ जा रहा है। अब डाटी पावर को सॉल्व करना सिखाया था सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में, डाटी पावर। हाँ बोलो आगे थोड़ी चीजें भूले गए थे डैडी पावर। ओके ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, ट्राई करो। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, ट्राई करो। हाउ टू सॉल्व डैडी पावर, हाउ टू सॉल्व डैडी पावर। देखो डोंट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर बिकॉज हम लोग कॉमर्स के बंदे हैं, हमें एग्जाम में साइंटिफिक अलाउट नहीं करता है। ठीक है, जो लोग साइंस के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं उनके लिए चाहिए, बट साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए डर्टी पावर सॉल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक नहीं मिलेगा जिसमें आप टू दी पावर दबा के आंसर निकाल लेंगे। तो सर कैसे करें? सर इसको करने के लिए एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जो भी वैल्यूएशन है उसको कंप्यूटर में दबा के मतलब तो कैलकुलेटर में दबा के 12 times root लगाओ, मतलब 12 बार root over करो, 12 times square root। ठीक है, फिर वहां से -1 करो जो वैल्यूएशन आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय
या तो डिवाइडेड बाई थ्री करो, ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री मतलब एक्चुअली वन बाई थ्री है, आप डिवाइडेड बाई थ्री करो या फिर आप इंटू वन बाई थ्री कर दो, डिवाइड ना करके इंटू वन बाई थ्री, जो मतलब जो पावर में है। वन बाई थ्री इज नॉट फिक्स्ड, हाँ दिस इज नॉट फिक्स्ड, पावर में जो है, जो पावर में प्लस वन, इसके बाद प्लस वन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज इनटू सर 1.3309, 1.3309 ना, इनटू इक्वल्स टू इस तरह से 12 टाइम्स करते रहना है। मैं आपको भी दिखाता हूं कैसे हुआ। पता नहीं मेरा ये मतलब कंप्यूटर वाला ये कैलकुलेटर सॉल्व करेगा क्यों, कई बार धोखा दे देता है मुझे, मतलब पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज होगा इससे। अच्छा क्या करना है सर, 2.3573 आपके पास अगर कॉमर्शियल कैलकुलेटर है ना कैशियो टाइप का, सबसे बेस्ट है, उससे करो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 2.3573 को रूट ओवर करो 12 बार, 12 टाइम्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो आया माइनस कर दो 1, जो आया इनटू कर दो 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब पावर में जो है, जो आया ठीक है कर दो प्लस 1, यही यही करा है ना सर, प्लस 1, ठीक है, जो आया जो आया, अब इसको इनटू इक्वल्स टू करके 12 बार चलना है, एक एक बार हो गया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, दस बार, ग्यारह बार, 12, 1.3309 यही बोल रहा था तथा है सर। तो मैंने तो आंसर सोचा, तो 30 पावर का मतलब ये वैल्यू निकाल दिया, वेरी गुड सर, 1.3309 ये सबका आया रे। अच्छा ओके सर, अब क्या करोगे बोलो तो, मतलब ये 2.3573 होल टू द पावर 1/3 ये सॉल्व करके हमें 1. मतलब इसको ऐसे बोलेंगे ना, अच्छा हम लोग यहाँ पर एक मिस्टेक करके रखे हैं, एक माइनस वन होगा, आई थिंक आप लोगों ने मिस्टेक नहीं किया होगा, अरे 1 + r होल क्यूब = 2.3573, तो अगर r इधर रहेगा तो 2.3573 टू दी पावर 1/3 तो होगा, और ये 1 भी तो माइनस वन के तौर पे इधर आ जाएगा, जो मैंने लिखना भूल गया था। नाउ r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1. जो हम लोगों ने निकाला 3309, 1.3309 - 1 कर, तब जो आया उसको माइनस वन कर दे, अब 0.3309 इसको इंटू 100 कर दो, 33.309 सो आर इक्वल्स टू 33.09%। अगर डर्टी पावर आ जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए सर, बस डर्टी पावर सॉल्व करना आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स लिखा दिया, पहले क्या करना है, जो वैल्यू जो अमाउंट है उसको 12 बार रूट करना है, फिर माइनस वन करना है, फिर पावर में जो है उसको इंटू करना है, फिर प्लस वन कर देना है, फिर जो 12 बार रूट आपने पहले किया था उसी तरह से इंटू इक्वल्स टू ये एक बार, फिर इंटू इक्वल्स टू दो बार, फिर इंटू इक्वल्स टू तीन बार, ऐसे करके 12 टाइम्स करना है, 12 टाइम्स करना है। जैसे ही आपका 12 बार का ये कंप्लीट हो जाता है, जो कंप्यूटर आपको कैलकुलेटर वैल्यूएशन दिखाएगा वही आपका आंसर मान लीजिएगा। थोड़ा सा शांति दिमाग से करना है सर, हड़बड़ी नहीं करना है, शांति दिमाग से करोगे आंसर ऑलवेज सही बनेगा।
टू दी पावर अगर कभी भी आपको डर्टी मिले, 1/3, 1/7 है ना, इस तरह का मिले तो इस तरह से सॉल्व करना है। और अगर आपको रूट ओवर मिल जाए लाइक हाफ, अगर हाफ मतलब ऐसा मिले तो आप एकदम पावर हो, मतलब एकदम लक फेवर कर गया, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, मतलब जो रूट ओवर का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये मिल जाए तो आप समझ जाना कि टू दी पावर स्क्वायर रूट करके आ जाएगा, रूट ओवर की वैल्यू से ही आ जाएगा। 2 बार रूट करने से, 3 बार रूट करने से, 4 बार रूट करने से आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे सॉल्व करते हैं सर। आई होप कि डर्टी पावर समझ में आया, बुझा कैसे कि जाए नहीं डर्टी पावर। संपत पूछते वाला लोग की पालना तथा सर परिस्थिति कोड़े परिस्थिति। ओके तो ये था सर सिंपल मॉडिफाइड आयरन। मॉडिफाइड आयरन नॉर्मल आयरन से इजी है, मॉडिफाइड आयरन नॉर्मल आयरन से इजी है। इस तरह से आपको मॉडिफाइड आयरन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सवाल होता है सर इसलिए मैंने दिखा दिया एक बार। ओके एग्जाम्पल देता हूँ, ट्राई करना घर पे। बोलो সার বলছি এখানে তো স্যার এনপিভি টা যেহেতু মডিফাইড বার করেছি সেখান থেকে করলাম, আর যদি না বার করতাম তাহলে স্যার আইআরআর এর প্রসেসটা ফলো করতাম তখন? তখন আয়ারের কনসেপ্ট ফলো করতে হতো। এই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে স্যার। চলো जिस तरह से हुआ ना एनपीपी का वही कॉन्सेप्ट को रीइन्वेस्टमेंट करके तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, मतलब आयरन का जो पूरा प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस उस तरह से नहीं करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मतलब वही एनपीपी का कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली ये मतलब अल्टीमेटली हम लोग आयरन के कॉन्सेप्ट तो फॉलो किए हैं ना सर, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। ठीक है, बट यू डोंट नीड टू प्रूव इट हियर, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ आर। और ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको ट्रायल एरर में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आपको ट्रायल एरर में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में कर सकते हो। मॉडिफाइड आयरन इस तरह से सॉल्व होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन करो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, कंसिडर इयर्स 0, 1, 2, छोटा सा टाइम पीरियड ले रहा है सर। नेट कैश फ्लो 0 ईयर में 200 करोड़ का, फर्स्ट ईयर में आ रहा है 80 करोड़ का, सेकेंड ईयर में आ रहा है 300 करोड़ का। ठीक है, एक चीज कैसे समझ में आएगा मॉडिफाइड का, आपको री इन्वेस्टमेंट रेट में नजर आएगा। ठीक है, मॉडिफाइड का एक ही कॉन्सेप्ट है, री इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, जो नॉर्मल आयरन के कॉन्सेप्ट में या नॉर्मल एनपीवी कॉन्सेप्ट में आपको नहीं दिखेगा। टेकिंग री इन्वेस्टमेंट रेट टू बी केसी, अगर क्वेश्चन केसी का रेट कोई री इन्वेस्टमेंट रेट बोल देता है तो उसको लेना है, और अगर अलग से री इन्वेस्टमेंट रेट बोलेगा तो उसको लेना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में री इन्वेस्टमेंट रेट केसी को ही बोला है, तो केसी और इन्वेस्टमेंट सेम है, दैट इज 15%। कैलकुलेट MIRR, ठीक है, कैलकुलेट MIRR। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना सर, नोट बोल के लिख लो, इफ री इन्वेस्टमेंट रेट इज नॉट गिवन
then we should then we should take KC equals to reinvestment rate. KC equals to reinvestment, correct? ठीक है, अब आगे देखो. अब ये क्वेश्चंस को कैसे करोगे? मॉडिफाइड आईआरआर का क्वेश्चन है. क्या आपको आईआरआर का ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करना है? 0, 1, 2, ठीक है. अब 0 ईयर में आप 200 करोड़ का खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो. फर्स्ट ईयर में आपका 80 करोड़ आ रहा है, सेकेंड ईयर में आपका 300 करोड़ आ रहा है. अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सेकेंड ईयर के एंड पे जो मिला इसको तो मार्केट में अराउंड मतलब इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला, तो री तो और इसको होगा नहीं. लेकिन 80 जो आपको मिल रहा है ये तो री होगा. कितने रेट में इन्वेस्ट करोगे? 15%, बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया था. तो 80 करोड़ को अगर 15% रेट में 2 साल के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, कितना होगा बोलो? 15 divided by 100 105.8 1.15 into 80, है ना? 92 सही तो है. 108 क्या होता था? 80 কোটি के 15% রেটে 2 বছর হচ্ছে না? কেন 2 বছর? 1 বছর থেকে 2 বছরের রেন্ট, মানে 1 বছরের রেন্ট থেকে 2 বছর, 1 বছরই তো টাইম ফ্রেম আছে এখানে. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, 2 বছর তো নেই, 2 সাল নেই হ্যাঁ স্যার, 1 সালই হ্যাঁ. তো 92 করোড় মিলেগা. তো 300 করোড় यहां पर जो reinvestment का मौका जिसको नहीं है, और 92 यहां पर आपका टोटल वैल्यूएशन हो जाता है 392 करोड़ का. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि जो 392 आपको यहां मिल रहा है, 200 आपको यहां इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है. ध्यान से देखो, तो 392 आपको रीइन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है और 200 आपने इन्वेस्ट किया था इनिशियल लेवल में. ठीक है, अब इसके बीच में लटक रहा है आर, इसके बीच में लटक रहा है आर, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, अब ये आर आपको फाइंड करना है. तो आर फाइंड करने का तरीका वही कॉन्सेप्ट, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, जो ट्रेडिशनल मेथड में भी फॉलो होता है. आपका आउटफ्लो कितना है? 200 लाख का, 200 करोड़ का. इनफ्लो कितना है? 392 इनफ्लो हो रहा है ये तो पता है. अब 392 को 1+r 2 साल में निकाल लो. समझ रहे ना सर? MIRR का कॉन्सेप्ट ये क्या है, हो रहा है सुविधा कि आप री इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है ना, वो वैल्यूएशन के बेसिस में आप आर का वैल्यूएशन को 2 साल के रेट में निकाल सकते हो. अब बस आपको यहाँ पर आर का वैल्यू निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट. अब 1+r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 392/200, या फिर ऐसे बोलो 1+r इक्वल्स टू 392/200 करके कितना आएगा? तो वैसे कर सकते हैं ना, 392/200 होल टू द पावर आधा, मतलब इधर से मैं स्क्वायर को इधर हटा दिया, इधर से स्क्वायर को इधर कर दिया, तो 1/1 हो जाएगा इंडिसेस का फॉर्मूला के कारण. और यहां से अगर आर चाहिए हमें तो क्या करेंगे, 392/200 करके कितना आ रहा है? 392/200 1.96,
1.96, ठीक है। अब ये जो 1.96 आ रहा है, 1.96 को एक बार रूट कर दो, हो जाएगा 1.4। सर मैं यहाँ ये क्यों किया जानते हो? हाँ, 1.96 टू दी पावर हाफ माइनस वन। सर रूट का वैल्यूएशन क्या है? देखो ये जो 2√x है, मतलब क्या हाफ है ना, तो रूट का वैल्यूएशन है हाफ। तो अगर आपको टू दी पावर में हाफ मिल रहा है, मतलब ये रूट है। तो अगर 1.96 टू दी पावर हाफ है, मतलब आप 1.96 का रूट करो। तो 1.96 का रूट करने से आपको क्या मिलेगा? 1.96 का रूट करने से आपको 1.4 मिलेगा, ठीक है। अब 1.4 मिलना है, 1.4 माइनस वन, तो 1.4 माइनस वन करने से क्या हो जाएगा? 0.4। तो 0.4 इंटू 100 करने से क्या हो जाएगा? 40%। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 40%। अब प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है? प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है? बोलो। क्या रे, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट सर। क्योंकि ये केसी से ज्यादा है ना। केसी कितना है? 15%। एम आई आर आर ग्रेटर देन केसी, दैट इज 40% ग्रेटर देन 15%, सो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। सो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। देखो मैं यहां पर डार्टी रूट नहीं किया ना, डर्टी पावर सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज ये रूट का मतलब वैल्यूएशन में आ गया था। अगर ये 1/2 की जगह 1/4 भी होता ना, तो भी रूट से सॉल्व हो जाता। ऐसा ही नॉर्मली मिलता है क्वेश्चन, ऐसा ही नॉर्मली मिल जाता है, डर्टी पावर ज्यादा नहीं मिलता। बट अगर मिले तो घबराना नहीं, डर्टी पावर भी आपको सॉल्व करना आता है। 12 टाइम्स रूट करो, माइनस वन करो, इंटू पावर करो, फिर प्लस वन करो, फिर इंटू इक्वल्स टू 12 बार करो, आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, हमेशा की याद याद रहेगा, और आप मिनट में कर सकते हो। ओके, बट्टा हो जाएगा। लो मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आया था। बोल सर, बोल। पूछा कैसे कि जाएंगे थे सर। अच्छा, लास्ट দিন क्वेश्चन দিয়েছিলাম ছিলাম আইআরআর হয়েছে, সলভ হয়েছে? একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম, 4000 4000 crore ইনভেস্ট করেছিল, 4000 আই থিঙ্ক, হ্যাঁ 4000 crore ইয়া লাখ কুছ ভি হোগা, রিটার্ন আ রাহা থা 1200 1410 1875 1150, এটা এরকম একটা কোয়েশ্চেন ছিল। পপেস চার তথা এরকম কোনো কোয়েশ্চেন দিই নি? স্যার 15.35। 15.35। আচ্ছা, মানে এটা কি ডাইরেক্ট ধরে এসছে না এ করেছিস, এক্সট্রাপোলেশন করেছিস, ইন্টারপোলেশন করেছিস? না স্যার, ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ধরে চলে এসছে। 1%-এর মধ্যে আছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, আমার আনসার বলছে এটা 14.84। তুই কত বললি? 15 পয়েন্ট। স্যার কি করে হবে স্যার, এটা তো স্যার মিক্সড রয়েছে, তাহলে তো ইকুয়ালস টু থাকবে, তাহলে স্যার নাববে কি করে নিচে? কেসি তো রয়েছে স্যার আপনার আপনার কেসি কত রয়েছে? 17 স্যার। প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে না রিজেক্টেড হয়েছে? প্রজেক্ট তো রিজেক্টেড হবে।
প্রজেক্ট তো রিজেক্টেড হবে। প্রজেক্ট রিজেক্টেড হয়েছে। হ্যাঁ, তো তোর 15 পয়েন্ট কত এসেছে বললি? 3-3, 3-5, 3-5, 15.35-এ তো এক্সাক্ট ম্যাচ করে গেল। মানে 4,000-এর যে ইনভেস্টমেন্ট ছিল, কোয়েশ্চেনটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, 4,000-এর ইনভেস্টমেন্ট ছিল, কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল, 0 ইয়ারে 4,000 ছিল ইনভেস্টমেন্ট, আর 1, 2, 3, 4 আপকামিং 4 ইয়ারের ইনফ্লোগুলো ছিল এরকম, 1,200 ফার্স্ট ইয়ার, 1,410 সেকেন্ড ইয়ার, 1,875 থার্ড ইয়ার, অ্যান্ড 1,150 ফোর্থ ইয়ার। এটা ছিল কোয়েশ্চেন। এটার আনসার, অ্যাকুরেট আনসার কিন্তু 14.84-ই হবে। মানে যে রুলসটা আমি শিখিয়েছিলাম, যে রুলস মানে আপ লোগোকে সিখায়া যাতে, ও রুলস এক সিস্টেম হ্যায়, বাট জরুরি নেই কি অলওয়েজ আপ এক্স্যাক্টলি, মতলব আগর ফেভারেবল হ্যায় তো জ্যাদা হোগা কম হোগা, নট অলওয়েজ, বাট আস পাস মেই রহতা হ্যায়। ऐसे देखा जाए तो 15% भी आंसर हो सकता है, मतलब 14.84 एंड 15% नॉट वेरी डिफरेंस, इट्स ओके, आंसर सही है, सही है। बट अगर किसी ने मान लो 13% मान लिया था या 11% मान लिया था तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4,000 वैल्यूएशन है, तो 4,000 का 1% प्लस या 1% माइनस, ये अगर आएगा तो ही जाके आपका आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो मैच करेगा। ठीक ही ऐसे सर, ठीक है। और भी क्वेश्चन था रहता था? तीनटे चलो सर, तीन क्वेश्चन था, क्या क्या तीन क्वेश्चन था सर। एक की चिलो একটা ছিল মেরি 900 এর একটা ইনভেস্টমেন্ট ছিল কি, ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট? হ্যাঁ স্যার, 0 ইয়ারে 900 লাখের ইনভেস্টমেন্ট আছে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ারে 500, সেকেন্ড ইয়ারে 700, অ্যান্ড থার্ড ইয়ারে 600, তাই তো? আর কেসি থা 40%। কি আনসার এসছে? 50 স্যার, 50, 50 ইজ নট দি রাইট আনসার। 50 কি করে হয়, 50 তে আনসার ম্যাচ কি করে করলো তোর? 901%, মানে 50% ইজ কনসিস্টেন্ট স্যার, এটা পুরো ম্যাচ করছে না, এটা এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে বারবার, ওই জন্য এই এই পর্যন্ত রেখেছি। 900 × 1% 9, মানে 909 প্লাস 900 কে নিচে, মানে 891 সে 891 সে 909 কে বিচ মে আগে আপনার আনসার আতা হ্যাঁ, মানে আউটফ্লো ইকুয়ালস টু ইনফ্লো, তো আনসার হ্যাঁ মানা যায়গা, আদারওয়াইজ না, এটা তাহলে হয়নি, তাই তো? বেসিক্যালি এটার অ্যাকচুয়াল আনসার হবে না স্যার, ইসকা আনসার হোনা চাহিয়ে স্যার 42.62, 42.62। করকে দিখায় ক্যা, চলো করতে হ্যায়, ইয়ে ওয়ালা কোয়েশ্চনস কো আইআরএফ সলভ করো স্যার। 900 লাখ কা ইনভেস্টমেন্ট হ্যায় ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড ইউজ করকে, 900 লাখ का इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर आपका इन्फ्लो है 500 लाख का, सेकेंड ईयर 700 लाख का, थर्ड ईयर 600 लाख का, केसी इक्वल्स टू 40%, ठीक है? दे जस्ट आस्क यू कि आईआरआर क्या है, मतलब जो रिटर्न तो मिल रहा है बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका यू ऑल नो सर, आईआरआर को कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, क्या करना है? IRR is given by outflow
इक्वल्स टू इनफ्लो, ठीक है, 900 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर प्लस 700 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल क्यूब। मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे, ठीक है। अच्छा क्या करना है, स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है सर, हाउ टू फॉलो द स्टेप्स सर। हमें सबसे पहले देखना है कि एक्स्ट्रा कैश फ्लो कितना है, तो 500, 700, 600, 700, 600, 1300 और 500, 1800 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 900, तो एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, हाँ एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1800 से 900 को माइनस करो तो 900 आता है, 900 को डिवाइडेड बाई 3 करो तो 300 आता है, तो पर ईयर का एक्सेस कैश फ्लो है 300, है ना, पर ईयर का एक्सेस कैश फ्लो है 300, है ना, 900 बाई 3 है सर, और ओवरऑल एक्सेस कैश फ्लो है 900। सो अब आगे क्या करना होता है, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर निकालने के बाद क्या करते हो, गेस के पहले पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो, जो भी आपका एक्सेस कैश फ्लो आता है एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आई आई इंटू 100 यही करते हो ना, तो एक्सेस कैश फ्लो 900 है कि 300 होगा, तो ओवरऑल लेना है पर ईयर सर 300 बाय 900 इनटू 100 300 बाय एक सेकंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 900, 300 बाय 900 इनटू 100 तो 1/3 इनटू 100 मतलब ये कत होते 33.333 33.33%। अब ये 33.33 के साथ क्या करना पड़े, थंब रूल 1.5 into 1.5, है ना, जो थर्ड स्टेप है, तो 33.33 के साथ 1.5 को अगर इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, 33.33 into 1.5, 49.995, मतलब 50%, है ना, so 50% is not the R, point to be noted sir, ये जो आया ना, ये जो 50% आ रहा है, ये 50% is not the R, ये तो स्टेप 3 है, एरर गेस करने का स्टेप 3, अब हमें ये चेक करना है कि R 50 से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अब इसके लिए हम लोग नॉर्मली फेवरेबल की अनफेवरेबल को पहले थोड़ा चेक करेंगे, मतलब कैश फ्लो किस तरह से हो रहा है, अगर सर इट अ मिक्स्ड टच है, 900 इन्वेस्टमेंट था, 500 पहले आया, फिर 700, फिर 600, तो देखा जाए तो ये 500, 700, 600 तो पहले कम आया फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा कम हो गया। फेवरेबल में क्या होता है, पहले ज्यादा आता है फिर कम आता है, अनफेवरेबल में पहले कम फिर थोड़ा ज्यादा फिर थोड़ा ज्यादा, और मिक्स्ड में पहले ज्यादा, सर इसको अनफेवरेबल बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, ये अनफेवरेबल है क्योंकि पहले आपका वैल्यूएशन कम है, पहले 500 है, फिर 700, फिर 600, अनफेवरेबल मिक्स में क्या होता है, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा ऐसे होता है, मतलब 600 फिर 700 फिर 600 ऐसा होता, उसको मिक्स करना कहना अच्छा होता, मेरे हिसाब से ये अनफेवरेबल सिचुएशंस की तरफ बढ़ रहा है सर, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये अनफेवरेबल है सर, बिल्कुल अनफेवरेबल है, क्योंकि पहले मुझे कम पैसा मिल रहा है फिर थोड़ा ज्यादा फिर
फिर अल्टीमेटली कम हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली कम ही मेरे को पहले मिल रहा है, तो यहां से फिर अपन की तरफ ज्यादा जाएगा, मतलब आर शुड बी लेस देन स्टेप थ्री। मतलब स्टेप थ्री में जो हम लोग 50% निकाले थे, आर का वैल्यू उससे कम होगा, मतलब 50 से तो कम होगा। अब द क्वेश्चन इज दैट कितना कम ये नहीं पता सर, कितना कम ये नहीं पता, बट 50 से कम है इतना पता है। सर 50 से कम तो बहुत कुछ हो सकता है। यस यू ऑल नो दैट 50 से कम मतलब मे बी 49, मे बी 48, मे बी 47, मे बी 45, कुछ भी हो सकता है, बिलो 30 भी जा सकता है, वी डोंट नो। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में ऑलवेज किसी भी एक पॉइंट से चेक कर लेना चाहिए। अच्छा अगर किसी को एकदम एग्जैक्टली भनक लग गया कि क्या हो सकता है, तो डायरेक्टली निकाल लेगा, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया वो अलग बात, बट अगर आपको आंसर नहीं पता तो क्या करोगे, तो लेट आर इक्वल्स टू 48% एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब रैंडम पिक करना पड़ता है, लेकिन पहले ये डिसाइड कर लो कि 50 से नीचे है कि 50 से ऊपर है। इफ 50 से नीचे है तो फिर आपका काम थोड़ा आसान होगा, लिटिल बिट इजियर। नाउ आर इक्वल्स टू 48, अब इसको आप प्रूव करो, आर एच इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 1.48 होल टू द पावर 1, 600 डिवाइडेड बाय 1.48 होल टू द पावर 2, सॉरी 700 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1.48 होल टू द पावर 3। कैलकुलेट करके देखो सर कितना आता है, मैं जितना देख पा रहा हूँ सर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं और सॉल्यूशंस पार्ट में और ज्यादा नहीं जा रहा हूँ सर, बिकॉज यू नो दैट ऐसे कैसे सॉल्व करना है। अगर आप करके देखोगे तो आपका 842.49 आएगा, ठीक है, 842.49 आएगा अगर आप 48% लेते हो। तो मुझे इतना बताओ सर, क्या 900 इक्वल्स टू 842.49 हो सकता है, क्या ये 842.49 900 के 1% के अंदर भी आता है, मतलब अगर 891 भी होता तो भी होता, लेकिन ये तो 842 है, तो फिर ये गलत है ना सर। हेलो ये सही है कि गलत है, ये नहीं होगा। ए बेटा बुझा जाच्छे तो नील तथा बोलो सोमवार। ऐसा 99 और 901 এরকম হলে কত হতো? हाँ 901, 902, 3, 4, 5 कुछ भी होता तो चलता, बट ये तो नहीं चलेगा। सो 48 इज नॉट द राइट आंसर, मतलब आर का वैल्यू और कुछ भी हो 48 नहीं हो सकता। नो यहाँ पर आपको सेकेंड हिंट्स मिल जाएगा सर, 50 से नीचे है ये पहले पता चला था, बट कितना नीचे वी डोंट नो। अच्छा 48 लेके देखा कि वैल्यू कम हो रहा है, तो और नीचे जाएंगे और नीचे का वैल्यू लेंगे ना, तो मेन वैल्यू और बढ़ेगा, मतलब तो अगर 48 से 47, 45 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये 842 का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं सर, 45 लेके देखते हैं, 3 पॉइंट गैप देखे आर का वैल्यू लेट, हाँ लेट आर इक्वल्स टू 45%। अब चेक करके देखो, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू अगेन सेम इक्वेशंस में डालो, 500 डिवाइडेड बाय 1.45 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 1.45 होल टू द पावर 2 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1.45 होल टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आप देखना वैल्यूशन आएगा 874.57 समथिंग कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 875 के आसपास आएगा, 874.57। तो एक चीज आप प्रूव हो जाएगा कि जितना 48 से नीचे जा रहे हैं हम लोग पहुंच रहे, करीब पहुंच रहे, ठीक है, मतलब 900 के पास जा रहे हैं सर, हम लोग 900 के पार मतलब पास जा रहे हैं, इतना तो समझ आ रहा है कि 45 तो नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, तो मे बी 44 हो सकता है, मे बी 43 हो सकता है, बट अगर हम लोग होपलेस हो जाते हैं
तो वो एक्सट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ही स्पार का वैल्यूएशन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दो वैल्यूएशंस में हम लोग हार गए ना, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे, हम तो IRR से हार गए, है ना, हिंदी गाना सुनेंगे, हारे 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 हम तो दिल से हारे, तो हम लोग यहाँ पर IRR से हार गए। अब IRR से हार तो गए, लेकिन उपाय है यूजिंग लीनियर एक्सट्रापोलेशन। फोर्टी 8% में आपका वैल्यू आया 842.49, 45% में आपका वैल्यू आया 874.57, और आपको चाहिए आर का वैल्यू 900, ये आपको चाहिए। तो अगर आपको ये चाहिए तो क्या करना है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या क्या करना पड़ता है, इससे इसको माइनस करो और इससे इसको माइनस करो, सिमिलरली यहां पर इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, और दोनों तरफ इक्वेशन को फॉर्म कर दो। तो आर माइनस 45 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 45, ठीक है, अब आर का वैल्यू क्या है, 900 है, ठीक है, 900 माइनस 45 का वैल्यू कितना, 874.57, एंड 842.57, सॉरी 842.49 माइनस माइनस 874.57, कैलकुलेट करो सर, यहां से आर को सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व आर फ्रॉम यहां, जस्ट सॉल्व आर फ्रॉम यहां, और कुछ नहीं करना है। अगर आप आर को सॉल्व करते हो तो आपको ऐसा आएगा आर माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3, और इधर आपका आ जाएगा 25.43, 25.43 डिवाइडेड बाई, नेगेटिव में आ रहा है सर 32.08, ठीक है, अब नेगेटिव को थोड़ा इग्नोर कर दो, ठीक है, नेगेटिव को भी चेंज को ही देखना पड़ता है, अब ये इग्नोर मतलब क्या, नेगेटिव रहने तो दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जैसे ये नेगेटिव वैल्यूएशन इधर आ जाएगा ना, तो आपका ऐसा होगा आर अगर इधर हो जाएगा सर, आर इक्वल्स टू 45 इधर आ जाएगा, 45 इधर इक्वल्स के इस पार कर दो, माइनस कर दो, मतलब ये माइनस में इधर है ना, माइनस 3 इंटू कर दो, 3 इंटू 25.43 डिवाइडेड बाई 32.08, सॉल्व करो 42.62% आएगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 42.62%, मतलब वही 42 से 43 के बीच में आर का वैल्यू छुपा हुआ था जो लिनियर एक्सट्रापोलेशन से निकल जाए। आंसर क्या हो जाएगा, सिंस IRR ग्रेटर देन KC, आयरन ग्रेटर देन केसी ना, केसी का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, 40% था, केसी कितना था सर, 40, आयरन आया 42.62, ये प्रोजेक्ट लेंगे कि छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, सही तो रे, ए बुझा गया क्वेश्चन टा, अच्छा सर अगर आप लोग शांति मतलब शांत मन से हर एक क्वेश्चंस को करोगे ना, हर एक IRR सॉल्व हो जाएगा, हर एक IRR सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो था IRR का, उसमें आपका IRR का वैल्यूएशन आएगा, तथा कितना आया IRR, 7.5 7.5 तथा, एक बार चेक करना घर पे, 27.5 87.5, 27.5 ओ अच्छा, हाँ तो ठीक है सर, 27.5, इट्स ओके है, तो सही है सर, 27% और 26.91%, ये भी हो सकता है, 27.5 में भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, वेरी गुड दादा। अगर बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया, उनको मैं जरूर बोलूंगा सर ट्राई करें,
और इस तरह से आयरन को ग्रिप बना ले। मैंने बहुत सारे आयरन रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी जो टेक्निक है ना उसमें बात करेंगे सर, जैसे कि पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बहुत वाइटल है, वो सब चर्चा करेंगे। ओके ठीक है सर, आज इतना ही है। इसके अतोटे ही रखते हैं। गुड नाइट सर। ओके सर, टाटा, गुड गुड नाइट सर। नाइट संपत। স্যার বল। বলছি স্যার, কয়েকদিন তাহলে স্যার ইন্টারপোলেশনটা একটু বলে দেবেন, কিছু কিছু সময় তো এদিক ওদিকও চলে আসছে, একটা আগে একটা পরে। আচ্ছা আচ্ছা, ইন্টারপোলেশনের কনসেপ্টটা বলবো, ঠিক আছে। আর বলছি স্যার, ওই ক্লাসটা কি স্যার এই সপ্তাহের মধ্যে দেবেন, ওই ইয়ের ক্লাস শুরু করবেন? চেয়ারের ক্লাস তো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ শুরু করে দেবো। আমি একটুখানি ওই মানে কলাটার জন্য না দিচ্ছিলাম না, কালকে কালকে অথবা পরশু, ঠিক আছে। আমি দেখছি মানে কালকেই হয়তো দেব, টেকনিক্যাল স্যার, টেকনিক্যাল আর টেকনিক্যাল আর অপশনস দুটোই দেবো, মানে টেকনিক্যালটা অল্টারনেট। স্যার ইন্ট্রো ক্লাসটা হয়েছিল একটা ক্লাস। ইন্ট্রো ক্লাস করিয়েছিলাম, আমি এবার অপশনটা স্টার্ট করবো, মানে টেকনিক্যালটাও চলবে সপ্তাহে 2 দিন করে অপশন দেবো আর 1 দিন করে টেকনিক্যাল দেবো। একদিন করে টেকনিক্যাল আর 2 দিন করে অপশন। ঠিক আছে স্যার, রুটিনটা তাহলে একটু পাঠিয়ে দেবেন, পাঠিয়ে ওইটা দেবো পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে আমি স্যার। কালকে যদি নাও দিই, পরশু থেকে আমি শিওর শর্ট স্টার্ট করবো। আসলে স্যার আপনি না দিলে আমি একটু লেটে ঘুম থেকে উঠবো, রাত্রেবেলা শুতে একটু দেরি হয়ে যায়, ওই জন্য না স্যার। না না, রেডি, অনেকগুলো জব অপরচুনিটি এসছে, একটু তাড়াতাড়ি করে এটা ইকুইটি রেডিটা ক্র্যাক কর। হ্যাঁ ওই জন্য দেখছি স্যার, বাড়িতে তো স্যার করছি স্যার, অপশনেরও আগে স্যার বেসিকের কয়েকটা ক্লাস মিস আছে, একটা মানে ফার্স্ট ক্লাসটাই মিস স্যার অপশনের বেসিকের। প্লেলিস্টে হ্যাঁ স্যার। তাই কোথায় সব চলে যায় রে বাবা। ঠিক আছে, আমি অফিস স্টার্ট করবো আবার। ঠিক আছে রাখছি স্যার। আচ্ছা রাখ।